नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न कुंडली लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में चले जाएंगे, लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। और सूर्य जो है 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च राशि में दशम भाव में गोचर करने वाले हैं, नवम भाव को छोड़ करके। जब दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि में तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे सूर्य, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली होते हैं। और गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे दशम भाव में, आपके कैरियर के भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में, तो यहाँ पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु आपके 4th भाव में ही गोचर करेंगे, शनि आपके 8th भाव में गोचर करेंगे। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। गुरु जो है 22 अप्रैल तक नवम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी जो है 14 तारीख तक नवम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद जो है ये उच्च राशि में मेष राशि में दशम भाव में आ जाएंगे। राहु पहले से ही दशम भाव में विराजमान रहेंगे, बुध जो है दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये 6 तारीख को अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, तो यहाँ पर कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव अप्रैल के महीने में आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, 56 घंटे में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा यदि शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ गोचर करते हैं तो मन जो है अच्छा रहता है, प्रफुल्लित रहता है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन यही चंद्रमा यदि पाप ग्रहों में या पाप ग्रहों के साथ या पाप भावों में गोचर करे तो ऐसे में जो है मन खराब रहता है, मानसिक टेंशन रहता है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो मन में होता है, तो 2 दिन के लिए मन आपका खराब भी हो सकता है, उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा, ऐसी स्थितियां जो है बनती रहेगी। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यदि चंद्र राशि में किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके अनुकूल से फल देखने को मिलते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी आपकी राशि के ऊपर, तो यहाँ पर जो है गुरु लाभ देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बनाने का काम करेंगे, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि है और गुरु शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण जो है राशि पर गुरु की 5वीं दृष्टि 22 अप्रैल 2023 तक पड़ेगी, तो ये लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि गुरु भी अस्त रहने वाले हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक अस्त रहेंगे, तो विशेष ना नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और ना ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, स्थिति सामान्य रहेगी। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धनेश बनते हैं आपके सूर्य, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य विराजमान है भाग्य के घर में, धन जो है वो भाग्य से आएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको जो है धन लाभ होगा। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य से धन देने का काम करेंगे। आप कर्म करते रहिए, धन की चिंता बिल्कुल मत करिए, धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। सूर्य रहेंगे 14 तारीख तक और 14 तारीख के बाद
ये आ जाएंगे दशम भाव में और उच्च राशि में गोचर करेंगे। राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे 14 अप्रैल के बाद। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या कंपटीशन दे रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिल सकता है। वही जो है, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आसानी से आपको नौकरी भी लग सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, शुभ स्थिति में है, तो ये लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में यदि आप जो है प्रयासरत हैं तो सूर्य जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, इन दोनों ही क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वही सूर्य की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान के योग बनेंगे, वाहन के योग बनेंगे। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो, योग आपके बन रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति, धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति बनी रहेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वही बात करें आपके पराक्रम भाव के मालिक के बारे में, पराक्रम के जो मालिक है, तीसरे भाव के जो मालिक है वो आपके बुध है, क्योंकि कन्या राशि 6 नंबर की राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध मिथुन राशि के भी स्वामी, बुध के पास दो राशियां हैं। तो तीसरे भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक बुध जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव में व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन राहु के साथ विराजमान रहेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करते समय थोड़ा विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़ा कार्य ऐसा कर रहे हैं तो सोच विचार करके करें, क्योंकि राहु थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेगा और राहु वैसे भी दशम भाव में अच्छे परिणाम देता है तो यहाँ पर नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी, तो ये भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो बुध जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगा। यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आप कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, लॉयर हैं, वकील, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम जो है बुध करने वाले, तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो भी आप जा सकते हैं, ये भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि विदेश के मालिक कर्म के घर में, कार्य क्षेत्र के घर में, नौकरी व्यापार के घर में जो है गोचर कर रहे हैं। तो विदेश में जाकर के आप नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या विदेश से जुड़ी हुई कोई भी काम आप कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। बुध तृतीय भाव के भी मालिक है तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, तो बुध का भी गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक शुक्र है और यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं। अब शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है तो केतु और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शुक्र जो है 6 तारीख तक दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, भोग विलासों में वृद्धि करने का काम करते हैं। लेकिन राहु के साथ ये गोचर कर रहे हैं तो किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं, और किसी स्त्री के द्वारा आप पर आरोप भी लग सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन शुक्र की सप्तम दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान, वाहन के योग बनाने का काम करेंगे, भोग विलास में जो है ये प्रेरित करने का काम करेंगे, तो ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। राहु के साथ शुक्र जब भी गोचर करता है तो अव योग बनता है, चारित्रिक दोष भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान सम्मान में कोई ऐसी समस्या ना पैदा हो जाए, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए, क्योंकि शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष बना देता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता रहने की भी जरूरत है। यहाँ पर भोग विलास देने का भी काम शुक्र करता है और राहु के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए ये 6 तारीख तक रहेंगे। 6 तारीख के बाद ये चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में, तो इसके बाद पूरा महीना आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन 6 तारीख तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फरवरी मार्च के महीने से शुक्र जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि मार्च के महीने में भी थोड़ा सा स्थिति जो है हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है इधर उधर हो सकती थी, लेकिन अब अप्रैल के महीने में 6 तारीख के बाद ये लाभ भाव में जाएंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं पैदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लाभ के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं तो 6 तारीख के बाद, 6 अप्रैल के बाद
निसंकोच आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहां पर शुक्र का गोचर एकादश भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और ये स्वराशि के रहेंगे तो स्वाभाविक है वैसे भी अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। तो शुक्र पूरे महीने 6 तारीख के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे और आय में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। सुख के मालिक है, इस कारण से आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। तो ये महीना जो है अप्रैल का महीना शुक्र के लिए बहुत ही शानदार है। इसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचमेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल जो है पंचमेश भी है और आपके दशमेश भी है, दशम भाव के भी मालिक है, कैरियर के भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं बारहवें भाव में। बारहवें भाव में मंगल का गोचर तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बारहवा भाव जो होता है ये व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो ये शिक्षा के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, संतान के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा और प्रेम विवाह के लिए भी समय उतना शानदार नहीं रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6 अप्रैल के बाद, तो मिले जुले फल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पंचमेश जब बारहवें भाव में गोचर करता है तो प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता है, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के खुन्नस हो सकती है, कोई ना कोई समस्या यहाँ पर अप्रैल के महीने में मंगल पैदा करने का काम करेंगे। वही ये दशम भाव के भी मालिक है, आपके नौकरी के मालिक है, व्यापार के मालिक है, व्यवसाय के मालिक है और बारहवें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी में भी समस्या पैदा कराएंगे, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कहा सुनी हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापार यदि आप कर रहे हो तो यहाँ पर भी थोड़ा वाणी पर आपको ध्यान रखना है, किसी को कटु वाणी मत बोले, प्यार से काम करे, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी व्यापार के लिए भी स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर खराब दिख रही है, तो यहाँ पर यदि आप विचार करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद यदि हम बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक आपके गुरु हैं, साथ ही साथ गुरु आपके भाग्य के भी मालिक हैं। गुरु के पास 2 राशियां हैं और भाग्य भाव में ये विराजमान रहने वाले हैं, कब तक? 22 अप्रैल तक। तो गुरु लगभग 1 वर्ष से आपको अच्छे परिणाम देते आ रहे हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल से ये अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ, तो यहाँ पर विशेष रूप से गुरु के उतने अच्छे फल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए गुरु का आप उपाय कर सकते हो, गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हो और कर्क राशि वालों को मोती पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, जिससे गुरु भी अच्छा फल दे और चंद्रमा भी आपको अच्छा फल दे। तो आप पुखराज पहन सकते हो, मोती पहन सकते हो, इससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और जब भी ग्रह कम डिग्रियों में गोचर करता है या अस्त होता है तो रत्नों से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो इस कारण से ये उपाय आप कर सकते हो। अब ये 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे तो विशेष रूप से उतने फलदायी नहीं होंगे। अब ये 1 वर्ष से आपको भाग्य के फल दे रहे थे, भाग्य में वृद्धि कर रहे थे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रख रहे थे, कॉन्फिडेंस बना करके रख रहे थे और कहीं ना कहीं बल पराक्रम में वृद्धि भी कर रहे थे, विवाह का योग बना रहे थे, प्रेम विवाह की स्थिति को भी ठीक कर रहे थे, संतान के योग भी बना रहे थे। लेकिन अब जो है 22 अप्रैल के बाद ये मित्र के घर में मेष राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर गुरु का जो गोचर है वो देखा जाए तो मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि पूरे अप्रैल के महीने में ये अस्त रहेंगे और राहु के साथ जो है चांडाल दोष भी बनाएंगे, तो गुरु के उतने अच्छे फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, नौकरी के लिए थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, व्यापार के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा और गुरु का आपको उपाय भी करना पड़ेगा। लेकिन राहु आपको अचानक लाभ दे सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि राहु जो है दशम भाव में राजनीति कारक माने जाते हैं, तो राहु आपका सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन गुरु के जो फल हैं उनको समाप्त करने का काम करेंगे, नकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है गुरु उतने अच्छे परिणाम आपको देने वाले नहीं है। नौकरी और व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है। उसके बाद यदि हम बात करें आपके विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन के जो मालिक है वो आपके शनि है और शनि आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, दोनों ही भाव के मालिक हैं और कर्क राशि वालों की ढैया भी चालू है, क्योंकि जब भी राशि से 4थे भाव में शनि चले और राशि से जब 8वें भाव में शनि चले तो ढैया प्रारंभ होती है। तो आपकी जो ढैया है वो ज्यादा तो नुकसानदायक नहीं होगी, क्योंकि शनि जो है स्वराशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और आपकी राशि से ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव में वैसे ही शनि जो है आयु कारक माने जाते हैं
और जब भी कोई बुरा ग्रह बुरे भाव में गोचर करे तो वैसे भी ज्यादा बुरा परिणाम नहीं देता है, इस कारण से शनि आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं जो है आपके पैरों में दर्द हो सकता है, पुरियों में दर्द हो सकता है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, कामकाज करने में मन आपका कम लग सकता है, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, कामकाज करने में कम मन लगेगा और आपके काम विलंब होंगे, देरी से काम होंगे, तो ये संभावनाएं हैं कि शनि यहाँ पर आपके कार्यों में विलंब करने का काम करेंगे, रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। तो शनि का भी आप उपाय कर सकते हो। वैसे भी ढैया चल रही है तो ढैया उतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं शाम के समय, तो शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वराशि में कुंभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं तो गुप्त धन भी दे सकते हैं, ससुराल पक्ष के संबंधों को मधुर बनाने का काम कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है, इस कारण से अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करेगा, आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ जाएगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मन आपका खिन्न रहेगा, काम काज में थोड़ा मन कम लगेगा, मानसिक टेंशन भी यहाँ पर शनि देते हैं, इसलिए थोड़ा शनि का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और ये मालिक आपके हैं विवाह के, तो वैवाहिक जीवन में विलंब करेंगे, मन मुटाव की स्थिति भी पैदा कराने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे, इस कारण से शनि का आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। विवाह में जो विलंब हो रहा है, जो परेशानियां हो रही हैं, जो रिश्ते नहीं जुड़ रहे हैं, वो शनि के ही कारण ऐसा हो रहा है, तो इस कारण से शनि का उपाय आप करें। इसके बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में जो है 14 तारीख तक रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, फिर नौकरी और व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन जो है जो नौकरी के मालिक है, जो व्यापार के मालिक है, वो मंगल 12वें भाव में है, तो फिर भी जो है स्थिति को यहाँ पर खराब करने का काम करेंगे, तो कुछ ग्रह सपोर्ट करेंगे और कुछ ग्रह जो है नुकसान करेंगे, तो सामान्य स्थिति रहेगी और थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो कोई समस्याएं यहाँ पर पैदा नहीं होगी, आपको लाभ जरूर मिलेगा। वही केतु भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में गोचर कुंडली में बहुत अच्छी है, लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करते हैं, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यदि देखा जाए तो राहु राजनीति कारक होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आप जो है कार्यरत हो सकते हैं, उसमें आपको संभावनाएं हैं, लेकिन वही है कि उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। यदि कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के बारे में, तो सामान्य ये महीना आपके लिए रहने वाला है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको सफलताएं यहाँ पर मिलने वाली है। वैसे थोड़ा सा यदि आप संघर्ष करते हैं और मन लगा करके यदि आप काम करते हैं, आलस्य यदि दूर भगाते, आलस्य नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर आपको लाभ मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो यहाँ पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुंडली से सटीक जानकारी हम लगा सकते हैं, ग्रह की स्थिति देख करके, महादशा को देख करके, अंतरदशा को देख करके ही पूर्ण रूप से सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। ये एक सामान्य फलादेश है और इस सामान्य फलादेश से आप ये जान सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके लिए बढ़िया महीने में रहने वाली है, तो हो सकता है कि बदलाव आपके लिए संभव हो। ऐसा तो है नहीं कि ग्रह की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो आपके जीवन में बदलाव ना हो, बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली पर भी विशेष रूप से ध्यान देखना होता है, ध्यान देना होता है कि ग्रह की स्थिति क्या है। यदि सामान्य स्थिति है और थोड़े से भी यदि अच्छे हैं तो इसका लाभ जरूर मिलेगा, यदि आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लेकिन अप्रैल के महीने में यदि देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सामान्य है, कोई विशेष ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है और कोई सकारात्मक उतनी अच्छी भी नहीं है, तो सामान्य है, मीडियम है, जैसा समय आपका चल रहा था वैसे ही आपका समय अप्रैल में भी चलने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।